का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे असम राइफल रैंक्स और सैलरी से रिगार्डिंग। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी रैंक से रिलेटेड, तो रैंक्स में क्या था कि जो वारंट ऑफिसर की रैंक्स को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट थे कि असम राइफल में वारंट ऑफिसर की जो रैंक है वो हवलदार से ऊपर है या हवलदार से नीचे की रैंक है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको रैंक के बारे में तो बताएंगे, साथ में सैलरी भी बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं असम राइफल की जो ऑफिशियल विकिपीडिया है उस पर हूँ और यहाँ पे रैंक से रिगार्डिंग पूरा जो है यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप एज अ जीडी भर्ती होते हैं, एज अ जीडी जो है भर्ती होंगे, तो सबसे पहले आपको जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी जो है सिपाही की, यानी राइफलमैन जीडी की कह सकते हैं सिपाही। और जो सिपाही यहाँ पे आपका जो ड्रेस होगा वहाँ पे आपकी कोई भी जो स्टार या फीति नहीं लगी होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सिपाही की बात करें, यानी एसएससी जीडी से के थ्रू अगर आप जाएंगे तो उसके बाद आप सिपाही बनोगे तो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो दोस्तों जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा 21,700 रुपये। 21,700 प्लस आप फिर आपको यहाँ पे डीए दिया जाएगा, फिर अनदर फैसिलिटीज दी जाएगी, तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों मैं इस बार सिर्फ आपको बेसिक पे बताऊंगा, बेसिक पे में आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितना कितना आपको मिलेगा। उसके बाद अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। तो सिपाही के बाद सीधे आप बनोगे हवलदार। हवलदार की जो ड्रेस है वहाँ पर ऐसे राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर तीन फीति बनी होती है, वो होते हैं हवलदार। और जो हवलदार अगर असम राइफल के जो हवलदार होंगे उनका जो बेसिक पे होगा वो होगा 25,500 से। ठीक है फ्रेंड्स, 25,500 से असम राइफल के जो हवलदार हैं उनका बेसिक पे होता है। इसमें आप डीए जोड़ लीजिए, हार्डशिप अलाउंस जोड़ लीजिए, ड्रेस अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस, और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है, टीपीटी काफ़ी कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, हार्डशिप अलाउंस, इन सभी अलाउंसेज को जोड़ करके आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं मेन, अब उसके हवलदार के बाद है दोस्तों वारंट ऑफिसर। इसके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि हवलदार बड़ी रैंक है या वारंट ऑफिसर। देखिए फ्रेंड्स, असम राइफल में जो है वारंट ऑफिसर की हवलदार से बड़ी रैंक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वारंट ऑफिसर होंगे उनके जो कंधे पे एक अशोक एम्बलम होता है। फ्रेंड्स मैं आपको शो कर दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो हवलदार से बड़ी रैंक होती है असम राइफल में जो यहाँ पे वारंट ऑफिसर की। ठीक है फ्रेंड्स, हवलदार जो प्रमोशन होकर के वारंट ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बेसिक पे रहता है वो लगभग 29,000 रुपये होता है, 29,200 या 500 के करीब आपका बेसिक पे रहता है। तो इसमें आप डी ए वी ए जोड़ करके जो है अपनी सैलरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वारंट ऑफिसर जो है वो प्रमोट होकर के जो है नायब सूबेदार बन जाते हैं। तो नायब सूबेदार के जो कंधे पर है वो एक स्टार होगा और साइड में दो फीति लगी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो फीति लगी होती है नायब सूबेदार के, और जो नायब सूबेदार है उनका जो बेसिक पे होती है 35,400 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है 35,400 रुपये। तो 35,400 बेसिक पे है, उसके बाद इसमें डीए और काफ़ी अलाउंसेज जुड़ जाते हैं, तो आप सैलरी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नायब सूबेदार प्रमोट होकर के सूबेदार बन जाते हैं, जो होते हैं उनके यहाँ पे दो स्टार होते हैं, दो स्टार, और दोस्तों यहाँ पे दो पट्टी इस तरीके की लाल और पीली या लाल नीली पट्टी आप देख सकते हैं। सूबेदार की जो बेसिक पे होती है 42,900 रुपये, यहाँ पे सूबेदार जो होते हैं उनकी बेसिक पे होती है। फिर उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें अलाउंस जुड़ता है तो सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। और दोस्तों जो लास्ट रैंक है एज अ अगर आप राइफल मैन जीडी जाते हैं, जो सबसे बड़ी रैंक है असम राइफल की एज अ सोल्जर, वो है दोस्तों सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर के जो कंधे पे हैं वो एक अशोक एम्बलम, यानी एक अशोक स्तंभ होगा, और यहाँ पे जो है लाल पीली जो पट्टी लगी होती है। तो सूबेदार मेजर सबसे बड़ी रैंक होती है असम राइफल में एज अ सोल्जर जीडी। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी बेसिक पे की बात करें तो इनका बेसिक पे जो होता है 47,600 रुपये। तो 47,600 रुपये दोस्तों सूबेदार मेजर की जो है ये बेसिक पे है। इसमें डीए जोड़ देते हैं, हार्डशिप अलाउंस जोड़ते हैं, तो बहुत अच्छी खासी लगभग 70-80 हज़ार रुपये सैलरी बन जाती है सूबेदार मेजर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है दोस्तों जो है असम राइफल में जो अगर आप एज अ सोल्जर जीडी जाते हैं रैंक्स और उनकी सैलरी। अब फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं कि ऑफिसर्स के लिए अलग सी वीडियो बनाई जाए कि असम राइफल में ऑफिसर्स की रैंक्स और उनकी जो सैलरी होती है उससे रिगार्डिंग। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।